से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जिलों के एसपी के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा की गई। बैठक के बाद अनिल विज ने कहा कि बैठक में रिव्यू किया गया है और कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। अपराध को नियंत्रण करने को लेकर यह बैठक ली गई है। हरियाणा क्राइम फ्री राज्य बने इसके लिए तमाम रणनीति तैयार हो रही है। इस तरह की बैठकों को आगे भी लिया जाएगा। किसान आंदोलन के चलते नेताओं के कार्यक्रमों के विरोध पर विज ने कहा कि किसानों का अधिकार है आंदोलन करें, हम ये सुनिश्चित करेंगे किसी को परेशानी ना हो। वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कामकाज पर अनिल विज ने कहा कि एनसीबी के प्रमुख बैठक में नहीं थे, उनके साथ बैठक होगी तो उनके डिमांड को रिजॉल्व करेंगे। आज सभी जिलों के अधिकारियों से और जो यहाँ हेडक्वार्टर के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ हमने चर्चा की है, रिव्यू किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लिया है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने बातचीत की है, चर्चा की है कि हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट हरियाणा बने और सारी जो हमारी पुलिस है, जो सारे अधिकारी हैं वो इस दिशा में ध्यान दें। बिल्कुल, वो भी आई हैं और वो हम दूर करेंगे। भर्ती है, शॉर्टेज है स्टाफ की, उसको हम जल्दी भर्ती करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, हमें फील्ड से भी जो जो बात आई है उस सब को भी हम देखेंगे। बिल्कुल, एसटीएफ हमने बना रखी है और एसटीएफ ने बहुत लोगों को पकड़ा भी है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं उनको भी पकड़ा है और पुलिस जो है हमारी आज के बाद आप देखेंगे कि मोर एक्टिव नजर आएगी, पुलिस की प्रेजेंस मोर एक्टिव नजर आएगी जिससे कि क्राइम कम होगा। किसान आंदोलन के चलते सर कुछ जैसे लगातार विरोध हो रहे हैं, कुछ मंत्रियों की, एमएलए की कुछ सिक्योरिटी भी रिव्यू की, कहीं पर भी किसी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, किसी के घर या किसी के दफ्तर में घुसने की किसी को इजाजत नहीं है और अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो कम से कम 200 मीटर दूर पर प्रोटेस्ट करें। हाँ, नहीं, आज हमने कहा है कि कम से कम 200 मीटर दूर पर करिए, काले झंडे दिखाइए, पुतले जलाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन आप प्रोग्रामों को, किसी पार्टी के प्रोग्रामों को, पीसफुल प्रोग्रामों को आप खुद जाके उसको नहीं कर सकते। एनसीबी के जो हेड हैं वो आज मीटिंग में नहीं थे, वो इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए हैं, एक बार उनके साथ बात हो जाएगी तो उनके इश्यू सारे हम रिजोल्व करेंगे। क्या लगता है सर कि क्योंकि ड्रग्स के मामले भी लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, हमने काफ़ी रिकवरी की है, हमारी अचीवमेंट है उसमें और भी इसके ऊपर